ज्यादा भाषणबाजी की आवश्यकता नहीं, हम सिर्फ सुनने के लिए सचिन पायलट जी को आए हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब पूरे राजस्थान में जाते हैं, हिंदुस्तान में जाते हैं, तो सचिन पायलट जी की जो झलक पाने के लिए पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे राजस्थान के लोग जब सड़कों पे आते हैं तो दिल गदगद हो जाता है हमारा। तो जब भी आपके पास टोंक आते हैं तो हमारे चाकसू की धरा पे आते हैं अपने आप। जब बिना बुलाए लोग सैकड़ों हजारों की संख्या में सचिन पायलट जी के स्वागत में आते हैं तो लगता है कि कांग्रेस के अंदर एक हीरा मौजूद है। अभी आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने सामान्य सचिन पायलट जी को चुना। ये टोंक की जनता का नसीब है। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहते हैं, तमाम साथी चाहते हैं और ये कार्यकर्ता पूरे सामान्य सचिन पायलट साहब सब लोग, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता, ये सब लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि किस समय आप आह्वान करोगे। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता सारे के सारे साथ आपके साथ में चलेंगे। मैं तो एक ही बात फिर आपको दोहराना चाहता हूं कि जहां भी सामान्य सचिन पायलट साहब, जहां भी सचिन पायलट जी का ये पसीना गिरेगा, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता आपके साथ में रहेगा। ये पूरी टोंक की जनता आपके साथ है। ये टोंक की जनता ही नहीं, राजस्थान की पूरी जनता आपके साथ है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, नौजवान आपकी तरफ देख रहा है, राजस्थान की जनता आपकी तरफ देख रही है। इसलिए समय आने के ऊपर सामान्य पायलट साहब, इन नौजवानों को निराश मत करना। जो ये नौजवानों की आवाज है, जो ये नौजवानों की मांग है, इन नौजवानों की मांग पूरी होनी चाहिए और इन नौजवान साथियों के हाथ मजबूत होने चाहिए। यही बात कहना चाहता हूं कि पहले भी एक ही बात थी, हमने जहां जहां भी बात हुई, अब चुनाव दोबारा आ गए। अभी पर्यवेक्षक साहब हमारे दौसा के अंदर आए थे, मैंने पर्यवेक्षक जी को बोला कि जो भी आपको लगे, जो भी जीतने वाला उसको टिकट दे। और पिछली बार तो हालत ये थी कि जिसको भी आप टिकट देके भेजते तो चाकसू की जनता उसको जिताती। मुझे गलतफहमी यह नहीं होनी चाहिए कि मैं चाकसू की जनता का नुमाइंदा बना। माहौल ऐसा था और आपका चेहरा था जिसके वजह से मैं विधायक बना। पहले भी मैंने यह कहा था कि जनता आपका चेहरा देखना चाहती है, जनता ने आपके चेहरे पर वोट दिए। आप जब राजस्थान की जनता के लिए निकलोगे, राजस्थान की जनता फिर आपको आशीर्वाद देगी। और इसी तरह से जिस तरह से आपने नौजवानों की बात को रखा, बेरोजगारों की बात को रखा, भ्रष्टाचार की बात को रखा, समय आने पे वो वादे पूरे होने चाहिए, नौजवानों के वादे पूरे होने चाहिए। यही नौजवान साथी चाहते हैं। आपने मुझे टोंक की धरा के ऊपर जो बोलने का मौका दिया, टोंक के क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आपको प्रणाम करना चाहता हूं कि आप हमेशा नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए बात करते हैं, नौजवानों की पैरवी करते हैं। समय आने पर यह नौजवान राजस्थान का कोई निराश नहीं करेगा। यही बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। कांग्रेस।